2019 के चुनाव में आपको याद है गिरिराज सिंह कहां से चुनाव लड़े थे? गिरिराज बेगूसराय से चुनाव लड़े थे जी। गिरिराज चुनाव लड़ते कहां से थे? नवादा से। नवादा से। नवादा से अभी सांसद कौन है? चंदन सिंह जी। चंदन सिंह कौन है? सूरजभान सिंह के भाई। भाई चंदन सिंह की जगह पर वो सीट किसकी थी? बीना देवी की। बीना देवी कौन है? सूरजभान सिंह की पत्नी। पत्नी। अब जरा गेम समझिए, ये जो अदावत है ये चलेगी लंबी, लेकिन इस अदावत से घाटा किसका होगा? देखिए प्रथम दृष्टया तो दिख सकता है कि ललन सिंह मंत्री निमंत्रण घाटा उनका है, लेकिन पार्टी किसकी जा रही है? नीतीश कुमार। टूट कौन रहा है? जदयू। कहां मनमुटाव हो रहा है? जदयू। सब जदयू। और अनंत सिंह वाला चैप्टर में आपको याद है ललन सिंह चुनाव लड़कर हराते हैं अनंत सिंह को जी। और अनंत सिंह के राजनीति को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आरसीपी सिंह तो पूरा मशीनरी लेकर सिस्टम का उतर जाते हैं उनके खिलाफ। उनके खिलाफ अगर नीतीश कुमार आरसीपी और ललन सिंह के बीच में आएंगे जी, तो नीतीश भी नहीं बचेंगे, पिसा जाएंगे। बिल्कुल पिसा जाएंगे आटे के साथ। आपको बताते हैं उपेंद्र कुशवाहा ऐसी गलती बेवकूफ नहीं होगी, उतनी बड़ी गलती करें। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तय कर दिया कि हम ललन सिंह के साथ हैं। साथ आरसीपी सिंह अपना समझ लें। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आरसीपी से बहुत परेशान है। नीतीश लोगों को साधना चाहते हैं, इसमें किसी भूमिहार के फिट होने की कहीं संभावना नहीं है जी। लेकिन एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार भूमिहारों को चाहेंगे ना कि वो भी उनको वोट दें जी। जिस वक्त ये चर्चा हुई कि ललन सिंह मंत्री बन सकते हैं इस बार जी, आपको पता है गिरिराज सिंह कई दिनों के एकांतवास से वापस आए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आकर विपक्ष पर हमलावर हो गए जी, और इशारों में एहसास करा दिया कि हम हैं, हम हैं, एक्टिव हैं, हम हैं, हम भूमिहारी हैं और हम जिंदा हैं। टेप चिपकाया गया था हल्का सा एकदम, उधार दिया कि फेंक दिया उखाड़ के। गिरिराज सिंह जी यहाँ से और शाहनवाज हुसैन जी, दो लोगों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ से, एक एक कार्यक्रम इन लोगों का देखिएगा। बिहार में इंडस्ट्री लाने को लेकर, बिहार में रोजगार सृजन को लेकर दो महत्वपूर्ण विभाग, एक इनके पास चला गया है शाहनवाज हुसैन के पास जी। आपने उनकी कार्यशैली को भी देख लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो अंदर की बात होने भी लगी कि अगर भाजपा आज अगर स्थिति में हो तो सीएम शाहनवाज को बनाए। और आपको बता दें कि इससे पहले ये चल रहा था जी कि गिरिराज सिंह को सीएम जी, चल रहा था, चल ये तो चल रहा था। हाँ, तो इन दोनों को आगे प्रोजेक्ट करके जब जैसा तब तैसा की स्थिति में बिहार में भाजपा लाना चाहती है अपने आप को। और जो विभाग मिला है ना ग्रामीण विभाग, आपको पता है रघुवंश प्रसाद को यही विभाग मिला था, और मनरेगा का उत्पत्ति इसी विभाग से हुआ है गिरिराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए कितनी संभावनाएं बिहार में है। गिरिराज सिंह चाहे तो हर गांव में अपने कार्यकर्ता को सेट कर सकते हैं, और भाजपा चाहे तो अपने जितने भी वोटर्स हैं उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचा सकती है जी। और खबरों का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाज़ारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है जिसकी चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी। बिहार की राजनीति को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, ये बात पहले से ही भारत लाइव की टीम कहते आ रही है, लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बहुत सारी बातें स्वतः स्थापित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रेंड देखिए, बिहार की राजनीति में कोई भी चीज़ जो है स्वाभाविक नहीं होता है या फिर यदा कदा नहीं होता है, इसके पीछे एक सीरीज होती है। जब कोई भी चीज़ में पैटर्न दिखने लगे तो सीधे समझ जाइए इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी रणनीति है, साजिश चल रही है। अब देखिए ना, बिहार की राजनीति में ही देख लीजिए, अलग अलग दल में हैं, भूमिहार हैं, लेकिन भूमिहार की लड़ाई में नीतीश कुमार जी तो सबसे बड़े पहले बर्बाद हो गए हैं।
नीतीश कुमार जी का जो किला है, बना बनाया किला, अगर उसके बेस में अगर घुन लग रहा है, उड़ीस लग रहा है, तो सीधे तौर पर समझिए कि उसमें भूमिहार की लड़ाई एक बेहद अहम फैक्टर है। अब कैसे है और कितना नुकसान हुआ है नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। कितना बर्बाद हुए नीतीश? देखिए, उसका तो कोई सीमा नहीं है जी। बर्बाद तो व्यक्ति दो ही जगह पर होता है, या तो जब किसी चीज़ की चाहत हो जी, या किसी चीज़ से मोहब्बत हो। मोहब्बत हो, चाह में भाई बर्बाद हो जाता है। आप कहें कि चांद ही लेना है जी, तो चांद लेने के लिए बर्बाद तो होना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल, यहाँ से धरती छोड़ना पड़ेगा तब जाके चांद मिलेगा जी। और मोहब्बत के खैर बात क्या करना, बेहतर समझते हैं युवा जी, थोड़ा बहुत भी आसपास भी मोहब्बत के भटका होगा, उसको एहसास होगा इस बात का जी। लेकिन बात यहाँ हो रही है भूमिहारों की। आखिर भूमिहारों के वर्चस्व की लड़ाई में नीतीश कुमार को घाटा क्या है जी? देखिए, नीतीश कुमार और भूमिहारों का जो दोस्ती है वो बड़ा अलग तरीके का है जी। लव और हेट दोनों चलता है, प्यार भी है और टकरार भी। मतलब लव विद सेफ डिस्टेंस। बिल्कुल नहीं, सेफ डिस्टेंस क्या, आप अवॉइड नहीं कर सकते, नीतीश अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नीतीश अनंत सिंह से फरियाते हैं तो ललन सिंह आ जाते हैं, ललन सिंह आ जाते हैं, ललन से फरियाते हैं तो गिरिराज सिंह आ जाते हैं, गिरिराज सिंह आ जाते हैं। तो बिहार की राजनीति में भूमिहारों ने नीतीश कुमार को बनाया भी है, और अब मुझे लग रहा है किसका भी रहे उन्हीं के हाथ में है जी। इसके पीछे पूरा पैटर्न है, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता हूँ। आप ऐसे जानते हैं, हम पंचनामा करते हैं तो 10 दिन बाद लोगों का होश खुलता है। हाँ। फिर दो दो तीन दिन को लोग एडिटर लोग के साथ बैठता है, फिर बड़ा बड़ा पंचनामा होता है जी। 3 दिन का पंचनामा निकाल के एक दिन में बोल, एक दिन में कर देता हूँ। खैर, हम कल भी बोले थे कि अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जाति प्रेम में आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया है तो आप विशुद्ध घोचू हैं जी। अब उसके आगे की बात करते हैं। आज जो विषय हम लेकर आए हैं ना जी, ये इतना प्रासंगिक है कि मतलब जैसे मृत्यु अटल है जी, वैसे ही ये अटल है कि भूमिहार से ही नीतीश का उद्धार लिखा हुआ, उद्धार है, राजनीतिक उद्धार जी। भूमिहारों की बात करें तो एक समय था जब लालू यादव के पास भूमिहारों की फौज थी जी, जुटान होता था, बिल्कुल जबरदस्त भूमिहारों का और बाहुबलियों का जुटान था जी। लेकिन वो दौर बदला, लालू यादव से जब बिहार की जनता का मोह भंग हुआ तो बाहुबली नीतीश के टारगेट पे आ गए जी। तो सारे बाहुबलियों ने लालू यादव से अलग हटकर रास्ता खोजना शुरू कर दिया जी जी। कुछ नीतीश के साथ आ गए, कुछ आपको याद होगा कैसे नीतीश कुमार हाथ जोड़े तस्वीर नजर आती है अनंत सिंह के सामने जी। कई जगहों पर नीतीश कुमार भी मैंने झुके हैं, सत्ता के ताकत के सामने झुके मस्तक हुए। आज जिस अनंत सिंह को नीतीश कुमार अछूत बना देते हैं, दिल्ली तक घेरते हैं, रखेदा रखेदी होता है, उस अनंत सिंह को कभी कंधे में बिठाते थे, उस अनंत सिंह को घर से मना के लाए थे, ललन सिंह से कीमती था अनंत सिंह जी। एक दौर था जब संघर्ष नीतीश कुमार का शुरू हुआ तो ललन सिंह तो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे जी, दांत वाला उस बात। उस वक्त भी नीतीश कुमार को अनंत सिंह का साथ था जी। अब देखिए ना, दांत वाली बात कितना अभी फिर से चर्चा में आ रही है सभी। और देखिए, आज कहीं ना कहीं उस लड़ाई में भी नीतीश कुमार डैमेज हुए जी। वो जब ललन सिंह और अनंत सिंह वाली लड़ाई हुई, जो बहुत फेमस लड़ाई हुई, जो मतलब 2019 के लोकसभा में जाके समाप्त हुई, समाप्त क्या हुई, अभी भी चल ही रही, चल ही रही, अभी भी चलता है। बंटू सिंह जो प्रवक्ता बने हैं राजद में, छोड़ रहे हैं तो लगातार ललन सिंह को, नीरज कुमार को, जितने भी भूमिहार नेता हैं इस पार्टी के, वो कहते हैं हम तो भूमिहार मानते ही नहीं है ललन सिंह को, तो उन सभी लोगों को देखिए कितना पानी पी पी के गले आते हैं। तो ये जो अदावत है ये चलेगी लंबी, लेकिन इस अदावत से घाटा किसका हो रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो दिख सकता है कि ललन सिंह मंत्री निमंत्रण, घाटा उनका है, लेकिन पार्टी किसकी जा रही है? नीतीश कुमार टूट कौन रहा है? जदयू। कहां मनमुटाव हो रहा है? जदयू, सब जदयू और सब नीतीश कुमार जी। आज मैं फिर कहता हूं कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कागज पे जरूर बनाया जी, लेकिन वो है काफी दिनों से। हाँ। और अनंत सिंह वाला चैप्टर में आपको याद है, ललन सिंह चुनाव लड़कर हराते हैं अनंत सिंह को जी, और अनंत सिंह के राजनीति को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आरसीपी सिंह तो पूरा मशीनरी लेकर सिस्टम का उतर जाते हैं उनके खिलाफ, उनके खिलाफ कहां है उनकी बेटी तक दिल्ली जाती हैं और रखेत के अनंत सिंह को लेकर आती हैं जी। लगता है कोतना कितना बड़ा शेर मार लिया, शेर मार लिया और इसे रिप्रेजेंट किया। और देखिए, बड़ी विडंबना यह है कि वो उसी पार्टी के सांसद विधायक हुआ करते थे जी, और मनमुटाव हुआ तो निर्दलीय जीत गए, निर्दलीय जीत गए, तो वैसे बड़े वृक्ष को गिराने की कोशिश की गई, और ये भी क्या हुआ।
आखिर ललन सिंह और अनंत सिंह की लड़ाई जो थी वो क्या साबित होता है, भूमिहारों के वर्चस्व की लड़ाई? बिल्कुल। और उसमें घाटा किसका हुआ? नीतीश कुमार सीधे तौर पर जी भूमिहार समाज के कोप का भाजन बने जी। पहले कांग्रेस में गए, फिर राजद में चले गए जी अनंत सिंह, और अनंत सिंह आज भूमिहार एक बड़ा भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। इनका वहां से खूटा नहीं ला सकता है। हाँ। और ललन सिंह तो मंत्रिमंडल को लेकर नाराज है, ये है, है, ये है। अगर नीतीश कुमार आरसीपी और ललन सिंह के बीच में आएंगे जी तो नीतीश भी नहीं बचेंगे, पिसा जाएंगे, बिल्कुल पिसा जाएंगे आटे के साथ। आपको बताते हैं उपेंद्र कुशवाहा ऐसी गलती बेवकूफ नहीं है, उतनी बड़ी गलती करें। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तय कर दिया कि हम ललन सिंह के साथ हैं, साथ है। आरसीपी सिंह अपना समझ ले। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आरसीपी से बहुत परेशान है, और वो भी चाहते नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है तो वो ललन सिंह के साथ खड़े हो जाते हैं। नीतीश लड़ों को साधना चाहते हैं, इसमें किसी भूमिहार के फिट होने की कहीं संभावना नहीं है जी। लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि नीतीश कुमार भूमिहारों को चाहेंगे ना कि वो भी उनको वोट दे जी। केवल अनंत सिंह का एक फैक्टर था जिसके चलते भूमिहारों ने उन्हें कहां लाके छोड़ दिया, 22 सीटों का नुकसान हुआ है जी। तो अगर केवल चिराग पासवान को और भाजपा को ही दोषी ठहराएंगे या तेजस्वी यादव को तो ये गलत, ये भी बात गलत है। भूमिहार समाज नाराज था, था। आशुतोष ने तो पार्टी ही बना ली थी जी। और भूमिहार समाज खुलेआम नीतीश के खिलाफ बोलने लगा था, और ऐसी स्थिति में मुझे ये बताइए क्या कि एक ललन सिंह क्या एक आरसीपी सिंह भूमिहार समाज को चुप करा सकते हैं क्या? जी नहीं, संभव नहीं है। बहुत एग्रेसिव समाज है और राजनीति में खासतौर पर एग्रेसिव रहा है, और बटा भी हुआ है ना। श्री कृष्ण सिंह के जमाने से जब बिहार में वर्चस्व चलता था भूमिहारों का जी, उस जमाने से भूमिहार बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व जमा रहे हैं जी। ये अलग बात है कि श्री कृष्ण सिंह के बाद किसी को उस लेवल तक पहुंचने नहीं दिया गया जी, सर्जरी हो जाती है। हाँ। भूमिहार का भूमिहार काट देता है जी, बस कहानी खत्म। अब देखिए ना, अभी बिहार में मौजूदा स्थिति में करें, भूमिहार वोट बैंक भी तो बटा हुआ है। गिरिराज सिंह के साथ एक अलग है, गिरिराज सिंह भाजपा में है, जदयू में ललन सिंह है, राजद में है अनंत सिंह जी, तो हर जगह तो बटा ही हुआ है ना। ये भी और बता दें आपको कि जो मुख्य चर्चा हम करने हैं वहाँ पहुँच गए लगभग जी। ये तो हमने पुरानी अदावत बताई। हाँ। अब नया किस्सा सुनिए जिसे सुन के आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है और क्यों ये चर्चा आवश्यक है। बिल्कुल। जिस वक्त ललन सिंह का नाम कटा था जी, फेसबुक पर मैंने कुछ पोस्ट किया था, देखा था आपने? हाँ देखे थे, याद होगा आपको। मैंने कहा था कि बिहार के भूमिहार लॉबी के जितने भी पत्रकार हैं जो तथाकथित रूप से भूमिहार अपने टाइटल में लगाते तक नहीं है, कोई कुमार लगाता है, कोई बोलेंगे तो एक्सपोज हो जाएगा, नाम नहीं लगेंगे, जो जो लगाता हूँ जी, नाम पढ़ के आप नहीं तय कर सकते कि वो भूमिहार है, लेकिन उस पोस्ट को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि वो भूमिहार है। हाँ। देखिए, भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज में कोई बहुत अंतर नहीं है, मैं ये खुले मंच तौर पर बोलता हूँ, मेरा किसी खास जाति से कोई प्रेम भी नहीं है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं जी। लेकिन एक तय बात है कि उस दिन भूमिहार बिरादरी के पत्रकारों ने अपने आप को एक्सपोज किया, क्यों एक्सपोज किया? उन्हें पता चल गया था कि ललन सिंह नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। और देखिए, या तो ललन सिंह के बन जाने से किसी को कोई टेंडर या ठेका नहीं मिलने वाला था, या सरकारी ऐड मिल जाता, डिजिटल मीडिया का भी बना नहीं है जो पोर्टफोलियो है जी, तो किसी को ऐड नहीं मिल जाएगा, पर टेबल के नीचे जो जितने ले ले जी। लेकिन उस स्थिति में भी ललन सिंह होते तब तो देते हैं। बिल्कुल। और ललन सिंह ने आज तक किस पत्रकार को क्या फायदा पहुंचाया है ये भी स्पष्ट है जी। ललन सिंह वैसे व्यक्ति हैं जो मैं कल भी बोलते बोलते रह गया था कि एक जमाने में मुंगेर क्षेत्र जो है ना वहां पे उनका तूती बोलता था जी, और आज भी वो उसी भ्रम में रहते हैं कि उनका तूती बोल रहा है, बोल रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं जी। आरसीपी सिंह ने उनकी सर्जरी कर दी है, डॉक्टरी इलाज हुआ है उनका, एकदम एलोपैथिक, क्या बोलते हैं उसको, होम्योपैथिक इलाज हुआ है जी। असर बाद में करेंगे। अब मैं उस जगह आना चाहता हूँ जी, जिस वक्त ये चर्चा हुई कि ललन सिंह मंत्री बन सकते हैं इस बार जी, आपको पता है गिरिराज सिंह कई दिनों के एकांतवास से वापस आए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आकर विपक्ष पर हमलावर हो गए जी, और इशारों इशारों में एहसास करा दिया कि हम हैं एक्टिव हैं, हम हैं, हम भूमिहार ही हैं और हम जिंदा हैं। टेप चिपकाया गया था हल्का सा एकदम, उधार दिया कि फेंक दिया उखाड़ के जी, लेकिन मेरी जगह कौन ले सकता है जी। ललन सिंह में वो काबिलियत नहीं कि गिरिराज सिंह के सामने खड़े हो सके। मैं किसी की बड़ाई और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, गिरिराज सिंह तो खुद भीगी बल्ली बल्ली बन जाते जब आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गिरिराज सिंह के रहते बिहार में किसी भूमिहार को गिरिराज सिंह एनडीए में आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये अब तय मानिए जी। और इसके पीछे बड़ी रणनीति भी है जी, वो ऐसा नहीं है कि बिहार के किसी नेता या किसी अध्यक्ष या किसी नेता छोटे भैया बड़े भैया नेता के चलते बने हुए हैं जी, ना तो उनके मंत्री बनने में नित्यानंद राय का कोई हाथ है, ना संजय जायसवाल का हाथ है, ना नीतीश कुमार का हाथ है, ना सुशील मोदी का हाथ है, ना भूपेंद्र यादव का हाथ है, और नाम लेते जाइए किसी का हाथ नहीं है, नरेंद्र मोदी का हाथ है जी।
वो नरेंद्र मोदी के, वो और अश्विनी चौबे नरेंद्र मोदी के एक दो हनुमान है जी। कोई कह देगा कि हम हनुमान तो नहीं, हाँ ये दोनों हनुमान है। अश्विनी चौबे का नाम कटा, कितने लोग खुशी मनाने लगे जी। बक्सर में कुछ लोग विरोधी गुट के मिठाई बांटने लगे जी। आधा घंटे बाद पोस्ट डिलीट कर लगा लोग जी। विभाग बदल के अश्विनी चौबे की वापसी हुई, लोग अपना मीम डिलीट करने लगे जी। लोग लिख रहे थे कि बहुत दुख हुआ बाबा अब नहीं रहे अश्विनी चौबे के बारे में जी। और फिर थोड़ी देर बाद लोग पोस्ट डिलीट करने लगा जी। तो आपको समझना पड़ेगा ये दोनों उस वक्त के साथी हैं जिस वक्त नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, नहीं बने थे। और नर से नरेंद्र जब नरेंद्र मोदी बने हैं तो इसमें ये दोनों आदमी का बड़ा योगदान रहा, फैक्टर है। एक ने तो नारा ही दे दिया था अश्विनी चौबे ने, दे दिया था कि हर घर मोदी घर घर मोदी जी। और इस नारे को सत्यापित करते हुए गिरिराज सिंह पूरे बिहार पूरे देश में घूमे थे जी। तो वो एक ऐसी उनका काम किया हुआ है जिसका रॉयल्टी वो जीवन भर खा सकते हैं जी। लेकिन ये आशीर्वाद सबके साथ नहीं है जी। और जब भूमिहार जाति से देखिए जातिगत समीकरण को भी देखना है। पिछली बार देखिए आपको याद होगा रामकृपाल की छुट्टी हुई थी जी, बढ़िया विभाग उनके पास था जी। रामकृपाल की छुट्टी की गई क्यों? क्योंकि जातिगत समीकरण में वो फिट नहीं बैठे, फिट नहीं बैठे। ऐसा नहीं कि रामकृपाल ने गलत काम किया था जी, या अपने काम नहीं कर पाए थे। हाँ, गलत काम या काम नहीं कर पाने के चलते छुट्टी हुई थी रूढ़ी जी की जी। रूढ़ी जी काम नहीं कर पाए थे, स्किल डेवलपमेंट को छुट्टी कर दिया गया जी। अब आपको बताते हैं कि गिरिराज सिंह को जब ये बात एहसास हुई कि ललन सिंह भूमिहार को भेजा जाएगा वहां पे जी, भाजपा ने स्पष्ट तौर पे ये बात कह दी, इशारा दे दिया कि भूमिहार को हम नहीं बना सकते, हमारे कोटे में ऑलरेडी वो है। बिल्कुल बिल्कुल जी। नीतीश जी भूमिहार को बना के भूमिहार वोट साधने की कोशिश करेंगे, भाजपा चुप रह जाएगी। आपके खिलाफ भूमिहार है, इस बात का फायदा हम जीवन भर उठाएंगे जी। आइए भाजपा लिख के दे सकते, बिल्कुल आपकी ये कमजोरी को हम मजबूती नहीं बनने देंगे जी। और आप ललन सिंह को बनाकर कुछ ना कुछ तो वोट साधते जी, लेकिन आपको उस बात से वंचित रख दिया गया। आप लॉकस कर रहे हैं ना, लीजिए कुछ बना दिया, वही कीजिए, लीजिए लॉ बना दिया आपका जी। अब जलाइए इस लॉ को जहां जहां लेके जाना है जी। और सच्चाई यही कि नीतीश कुमार के ही गेम में नीतीश कुमार को भाजपा ने फंसा दिया। सीधे तौर पे समझिए, नीतीश कुमार जिस प्लेटफॉर्म को बनाना चाहते हैं, भाजपा चाह रही है कि यहाँ प्लेटफॉर्म ठीक है, लेकिन उसका जो दायरा है, डायमेंशन जो है, वो हम तय करेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए विभाग की बात आपको बता देते हैं जी। बड़ा गजब खेल हुआ आरसीपी सिंह जी के साथ भी, उनको मंत्री तो बना दिया गया, विभाग ऐसा दिया जिसके बिहार बिहार में कोई संभावना ही नहीं है। वो बिहार में अपने पार्टी के किसी भी नेता, चाहे वो फाइनेंसर हो, चाहे इनकी पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी हो, फायदा देना नहीं, कोई फायदा एक रुपया का नहीं पहुंचवा सकते जी। यहाँ पे जो उनका इस्पात विभाग है उसका कोई प्रभाव नहीं। इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का भी हाथ है। नीतीश कुमार जी चाहते थे कि आरसीपी सिंह जी को बिहार की राजनीति से दूर रखा जाए, वो तो बिल्कुल तय था कि वो चाहते थे कि यहाँ से हट जाए। लेकिन सोचिए जरा सा और देखिए कैसे गिरिराज सिंह के विभाग को बदला गया। और देखिएगा, समझिएगा, आप भी दर्शक समझिएगा, गिरिराज सिंह जी यहाँ से और शाहनवाज हुसैन दो गो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक एक कार्यक्रम इन लोगों का देखिएगा। बिहार में इंडस्ट्री लाने को लेकर, बिहार में रोजगार सृजन को लेकर दो महत्वपूर्ण विभाग, एक इनके पास चला गया है शाहनवाज हुसैन के पास। आपने उनके कार्यशैली को भी देख लिया, बिल्कुल, और ये तो अंदर की बात होने भी लगी कि अगर भाजपा आज अगर स्थिति में हो तो सीएम शाहनवाज को बनाए। और आपको बता दें कि इससे पहले ये चल रहा था कि गिरिराज सिंह पर सीएम चल रहा था, ये तो चल रहा था। हाँ, तो इन दोनों को आगे प्रोजेक्ट करके जब जैसा तब तैसा की स्थिति में बिहार में भाजपा लाना चाहती है अपने आप को। और जो विभाग मिला है ना, ग्रामीण विभाग, आपको पता है रघुवंश प्रसाद को यही विभाग मिला था, और मनरेगा का उत्पत्ति इसी विभाग से हुआ है गिरिराज सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए कितनी संभावनाएं बिहार में है। गिरिराज सिंह चाहे तो हर गांव में अपने कार्यकर्ता को सेट कर सकते हैं, और भाजपा चाहे तो अपने जितने भी वोटर्स हैं उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचा सकती है। और एक बात तो बड़ा है ही कि भूमिहार समाज के व्यक्ति वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और देखिए इतना ही नहीं है, ललन सिंह और चाहे उनके आसपास पास जितने भी बड़ा बरबीघा पूरा मुंगेर का क्षेत्र हो, इसको अपनी जगह पर रखिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ सुन लीजिए राजनीतिक, जो शायद मैं ही बता रहा हूँ आपको, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ये है जी, ये पॉइंट है। 2019 के चुनाव में आपको याद है गिरिराज सिंह कहाँ से चुनाव लड़े थे? गिरिराज बेगूसराय से चुनाव लड़े थे जी। गिरिराज चुनाव लड़ते कहाँ से थे? नवादा से। नवादा से। नवादा से अभी सांसद कौन है? चंदन सिंह जी। चंदन सिंह कौन है? सूरजभान सिंह के भाई। भाई चंदन सिंह की जगह पर वो सीट किसकी थी? बीना देवी की। बीना देवी कौन है? सूरजभान सिंह की पत्नी है। अब जरा गेम समझिएगा जी। बीना देवी को नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह की सीट मांग कर दे दी थी जी। लोजपा के कोटे में बीना देवी के नाम पर सीट ले ली गई,
और गिरिराज सिंह को रात रात शिफ्ट कर दिया गया। पहले तो लगा कि चुनाव ही नहीं लड़ाया जाएगा जी, फिर बेगूसराय शिफ्ट कर दिया गया और बेगूसराय से कन्हैया काल ठोक चुके थे जी। तो क्या हुआ, नीतीश कुमार भूमिहारों की लड़ाई वहां भी जी, सूरजभान सिंह भी भूमिहार है जी, और सूरजभान सिंह की पत्नी भूमिहार है, उनके भाई भूमिहार है जी, और पत्नी के नाम पर वो सीट ली गई। गिरिराज सिंह तो नहीं आग बबूला हो गए थे कि कहते कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं जी। बेगूसराय भेजा गया चुनाव, उन्होंने पर्चा तक दाखिल नहीं किया समय तक। आपको बताएं अमित शाह आकर मनाए थे गिरिराज सिंह को जी, तब जाकर गिरिराज सिंह माने, तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा जी, और आकर उन्हें अंतिम समय मनाया गया। और देखिए दो कारण थे इसके, एक तो गिरिराज सिंह का डर पुकपुकी छूट रहा था कि हरा मध्य कन्हैया, और दूसरा डर था कि डर क्या गुस्सा था ये कि बीना देवी के लिए मेरी सीट क्यों ली जा रही है जी। नवादा में मैंने काम किया है, नवादा की जनता से मेरा लगाव है, भूमिहार का वोट इधर ज्यादा है जी। उधर थोड़ा सा उधर जो है ना थोड़ा सा मुड़ियल है, थोड़ा सा अब कैसे समझाएं उसको जी। उधर थोड़ा लेफ्ट की जो माइंडेड लोग हैं ज्यादा है, क्या लेफ्ट का एक लाल रंग का खेती होता है बेगूसराय में, उस तरफ तनी खेती ज्यादा होता है जी। तो नीतीश जी को तो पता था कि क्या सेटिंग हो रहा है, लेकिन गिरिराज सिंह भी समझते थे कि मुझे वहां सेट किया जा रहा है, ना कहीं के नहीं रहेंगे, राजनीति समाप्त हमेशा के लिए नीतीश कुमार मेरा करवाना चाहते हैं जी। और इस कारण से गिरिराज सिंह आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ है। देखिये मंच पर गिरिराज सिंह का वो लाल चेहरा मुझे याद है, जो चुनाव प्रचार के दौरान वो बेगूसराय में घूम रहे थे और मंच बन रहा था, तो नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार ने चुनावी सभा की, और तब जाके गिरिराज सिंह नीतीश कुमार की तरफ नजर उठाकर देखे, तब जाके दोनों के बीच में मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार हो या अपनी ही पार्टी हो, गिरिराज सिंह पूरा नाराज हो गए थे। और ये भी लड़ाई आपको बता दें कि सूरजभान सिंह वाली जो लड़ाई थी ये भी भूमिहार वाली ही लड़ाई थी। और आपको एक बात बता दें, सूरजभान सिंह अभी किस गठबंधन में है, केशव सिंह जदयू सिंह जदयू गठबंधन एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उस वाली टीम का हिस्सा है, और उस वाली टीम में कौन पहले से है, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह तो जहाँ एक, और एक बात बता दें आपको कि मुंगेर और नवादा का जो पूरा क्षेत्र है ना जी, ये गिरिराज सिंह का क्षेत्र रहा है एक जमाने में जी। तो इस क्षेत्र को छोड़कर बेगूसराय जरूर चले गए, लेकिन प्रभाव नहीं छूटा है जी। और एक बात बता दें कि देखिए भले ही बिहार की राजनीति में भूमिहारों को शेर जाति कहा जाता है जी, इसमें कोई संशय नहीं है जी, शुरू से ही भूमिहारों को शेर कहा गया है इस बिहार की राजनीति में, क्योंकि अपना क्षेत्र जब मार्क कर देते हैं तो छोड़ते नहीं जी। और आज गिरिराज सिंह को उनके स्वभाव के विपरीत क्या कर्म कराया गया था, और ऐसा ही बिहार की राजनीति में ललन सिंह और अन्य नेताओं के माध्यम से साबित करना चाहते थे नीतीश कुमार जी। तो भाजपा इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो समझे नहीं कि जब नीतीश कुमार से भूमिहार नाराज है तो कुछ दिन नाराज है सही जी। नीतीश जी आप मैनेज कीजिए, कैसे कीजिएगा ऐसे, भूमिहार का वोट आपको करना क्या, चलो करना क्या, तो लव कुश पे कर। तो देखिए क्या किस तरह की राजनीति जो है और राजनीतिक पाठशाला बिहार में चल रही है, और जिसमें नीतीश कुमार जी को भूमिहार समाज के वोट से, भूमिहार समाज की जो लड़ाई है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई, नीतीश कुमार जी फंस के रह गए हैं, और मुंह मुंह के जो धागे हैं इस प्रकार से फंसे हैं कि छूट नहीं रहे, जितना छुड़ाना चाह रहे हैं उतना उलझते जा रहे हैं। और भाजपा सहयोगी जरूर है, दोस्त जरूर है, लेकिन छोड़े हुई है कि आप च्युइंगम जो चिपका हुआ है हाथ में उसको खुद से निकालिए, या फिर हो सकता है कि बाल काट के हटाना पड़े। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।